सो गाइस हम पहुंच गए होटल में और ये हमारा रूम है। जल्दी से क्विक टूर दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि छोटा सा रूम है। और ये रूम हमारे को पड़ा 7,500 का दो नाइट्स के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ फॉर्मूला वन, क्योंकि कल ग्रैंड पिक्स है मेक्सिको सिटी की, तो ये रूम कॉस्ट कर रहा है गाइस राइट नाउ फॉर पर नाइट 12,500 रुपीज़ पर नाइट, एंड वी बुक फॉर टू नाइट्स फॉर 7,500 बिकॉज वी रिजर्व इट बिफोर। बट लुक एट इट गाइस, लुक एट इट गाइस, outside view is not so good guys because we are in center of the city, from where the city starts, not from the modern part. There is the Zocalo, there you can see Torre, there is the Zocalo, and we are this far from the center, so it doesn't look so good, but yeah. So guys अभी lunch करने आया हूँ, नीचे कुछ सामान पैक करवा के ऊपर होटल जाके खाऊंगा, और कुछ ले दे के और कुछ मिला नहीं, विदाउट ले दे के और कुछ मिला नहीं, तो वही तोड़ता दे पोए हो, मतलब चिकन बर्गर काइंड ऑफ थिंग, और कुछ नहीं, बस चिल आउट नहा धो के अपने साले से मिलने जाऊंगा Zocalo पे, वो मिलने आ रहा है तो उससे मिलेंगे। और भाई महंगी गाड़ियाँ भी है भाई मेक्सिको में, ये देख लो सामने एक Porsche जा रही है, तो मेरा साला मिलने आ रहा है क्योंकि वो जॉब करता है मेक्सिको मेट्रो में, तो उसी से मिलने जाएंगे बस। तो हम पहुँच गए हैं मेक्सिको सिटी सेंटर Zocalo में, और भाई आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, आज एक तो सैटरडे और दूसरा जो फेस्टिवल है दिया दे मोर्तिस का, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई सब जगह। इस तरफ अगर मैं आपको भीड़ दिखाऊंगा ना तो आप चौंक जाओगे कितनी ज़्यादा भीड़ है, आप चौंक जाओगे कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये देखो पीछे के कैमरे पर, ये देखो गाइस कितनी ज़्यादा भीड़ है आज, इस तरफ भी पूरा पूरा जैम पैक्ड है, और उस तरफ भी रेड लाइट क्रॉस करनी है जल्दी से। तो गाइस हम पहुंच गए हैं वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेसेस इन सिटी ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको सिटी के अंदर बेजा आर्ते, ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट इज कॉल्ड बेजा आर्ते, और ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट्स है इन मेक्सिको सिटी गाइस। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो Torre Latina है, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लोकेशन ऑल्सो इज द सेंटर ऑफ मेक्सिको सिटी, एंड वो रहा मेरा साला वहाँ बैठा हुआ है, तो बस उससे मिल के थोड़ी देर बहुत करेंगे। आज टाइम टाइम लगा हुआ है, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं बता नहीं सकता, ये डर लग रहा है कि बच्चे ना खो जाए, और पीछे के कैमरे से देखोगे तो आप, पर ये देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है बेजा आर्ते पूरा का पूरा, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोन्यूमेंट्स ऑफ मेक्सिको सिटी। इफ़ यू सर्च मेक्सिको सिटी ऑन गूगल, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स अप, एंड दैट्स वन हॉर्स राइट देयर, दिस इज द स्ट्रीट दैट गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दिस इज द Torre Latina, इट डिस्पोस, यू कैन जस्ट वॉक डाउन स्ट्रीट फॉर द Zocalo, फॉर द सेंटर ऑफ मेक्सिको सिटी, एंड हेयर इज द जेनी प्लेइंग, डूइंग नथिंग मोर जेनी। ऑल्सो यहाँ जो है ना इतने लोग फोटो खिंचवाते हैं, इस वजह से भी ये जगह जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। बट मेरे को वो फेरी देखनी है बिकॉज मैंने एक फेरी नहीं देखी है दिया दे मोर्तिस की कैसी होती है और क्या कुछ होता है इन फेरी में, तो लेट्स गो फॉर द फेरी। और क्राउड देखो गाइस आज इतना ज़्यादा क्राउड है ना, इतना ज़्यादा क्राउड है, सब जगह मार्केट लगी हुई है, सब जगह फेरी टाइप लगी हुई है। आज सैटरडे है, कल संडे है, और फार्मूला वन रेस भी है मेक्सिको सिटी में, तो काफ़ी फॉरनर्स भी हैं यहाँ पर, लेट्स गो फॉर द फेरी। भाई एक्सपोजिशन लगी हुई है कुछ कार्स की, ये देखो फोर्ड की बहुत ही पुरानी गाड़ी है और बहुत ही बड़ी है आ रही है, देखना आदमी कैसे लग रहे हैं इसके सामने, देखना छोटे छोटे से। और ये देखो दूसरी गाड़ी भाई फोर्ड की, उस तरफ अल्तार बना रखा है। गाइस गेंदे फूल को बोलते हैं कैंपस सुचिल, जिसका असली नाम है मेक्सिको में, उसका नाम है कैंपस सुचिल, और यहाँ कुछ अल्तार लगा हुआ है, पीछे के कैमरे से दिखाता हूँ कैसा लग रहा है, जिस लोग डांस कर रहे हैं, अल्तार नहीं है गाइस। गाइस भीड़ देख लो कितनी भीड़ है यार आज, तो यार जहाँ तक देखो वहाँ तक भीड़ ही भीड़ है।
तो अभी सेंटर की तरफ जा रहे हैं, जोकलो के एकदम सेंटर की तरफ, जहाँ पर चर्च है, कैथेड्रल है और पैलेस है म्यूनिसिपल। कंसेप्ट रिमेंस द सेम, बट यहाँ पर जो म्यूनिसिपल पैलेस है वो बहुत ही बड़ा है गाइस, क्योंकि वो पूरे मेक्सिको का है। और आगे मेरी वाइफ वॉक कर रही है, तीनों बहन वॉक कर रहे हैं, और चलो चलते हैं। भीड़ यार, कुछ ज़्यादा ही भीड़ है भाई। इतनी भीड़ तो गाइस मैंने आज तक नहीं देखी है मेक्सिको में गाइस, मेक्सिको सिटी में इतनी भीड़ नहीं देखी भाई। काफ़ी ज़्यादा बाहर के लोग भी आए हुए हैं, तो ऐसा पता नहीं लग रहा कि तो खाली मैक्सिकन से, बाहर के भी काफ़ी लोग हैं बिकॉज ऑफ दैट ह्यूमन रेस। जेनी मीरा कलावरिता, गाइस ये देखो यार डेकोरेट कर रखा है अमेरिकन ईगल का स्टोर, नीचे से ऊपर तक देखो पूरा गेंदे के फूल के साथ ऊपर तक, वाओ। गाइस डेकोरेशन देखो, नाइट में दिया दे मोर्तेस की, सारी जगह पे लाइटिंग जो है, कलर्स जो है वो पूरे दिया दे मोर्तेस के हैं, कलरफुल जो ये लोग यूज करते हैं, पूरा जोकलो जो है इसी कलर से जो है शोकेस कर रखा है। और सामने देखो गाइस, वाओ पूरी डेकोरेशन कर रखी है इस तरफ पूरी स्ट्रीट पे। और ये जो है पार्क, इस चर्च, तो ये जो है गाइस ये है म्यूनिसिपल पैलेस, यहाँ का बोले तो ये रेजिडेंशियल हाउस भी यही है, सब चीज़ें यही हैं। सारी डेकोरेशन और सारी लाइट्स गाइस, वाओ। मुझो अमिगोस, इसमें प्रीमेरो वेस यो वेव एसो इन सिटा दे मई। भाई मून देखो क्या सही लग रहा है आज यार, गाइस मून देख लो क्या गजब लग रहा है यार, पूरा मून और अस रियलाइज और भी सुंदर लग रहा है। एडा चर्च, ये डेकोरेशन और ये कलावरितास। तो गाइस रात हो गई है, जैसे अभी हमने खाना खाया है लाइक डिनर करा है विद माय साला, और अब वॉक कर रहे हैं सेम स्ट्रीट नियर द बेजार्तेस इधर से उधर। लेट्स सी हाउ इट लुक्स नाउ, लुक एट इट गाइस हाउ इट लुक्स, वन टाइम वी ईट हियर आल्सो, लुक एट द पीपल दे आर डेकोरेटेड ऑल ओवर वेन कलर एंड दे आर द मोर्टस लाइक स्केलेटन्स पीपल, लाइक लोग यहाँ पर क्रेजी है हेलोइन के लिए और दिया दे मोर्तेस के लिए। और ये दोनों फेस्टिवल ऑलमोस्ट सेम डे ही पड़ते हैं, लाइक 1 नवंबर एंड 2nd of November 31st of October, राइट हेलोइन, तो दोनों फेस्टिवल ऑलमोस्ट सेम डे ही पड़ते हैं, 31st October एंड 2nd of November। पीपल आर वेरी क्रेजी हियर अबाउट दीज टू फेस्टिवल इन मेक्सिको, porque because it's like a lot affected by the American culture, and the American culture also is a lot affected by Mexican culture, so the two countries celebrate it together। aur yahan dekh lo guys is taraf a lot many people।
तो गाइस पता नहीं क्या इवेंट चल रहा है, लेकिन पूरी स्ट्रीट्स क्लोज करके खाली साइकिलर्स को अलाउ करा गया है। और ये देखो आप, हर कोई साइकिलिंग कर रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस, आई डोंट नो व्हाट्स ऑल हैपनिंग, बिकॉज मेक्सिको के रेजिडेंट्स को ज़्यादा पता होगा कि भाई क्या चल रहा है। ये स्ट्रीट भी क्लोज है, वो स्ट्रीट भी क्लोज है, वो स्ट्रीट भी क्लोज है, सारी स्ट्रीट्स क्लोज है और लोग साइकिल्स पर निकले हुए। Yeah, you can go up. ये देख लो, ये एंजल द इंडिपेंडेंस ही है, इंडिपेंडेंस एंजल। और यहाँ सब लोग इकट्ठे हो रखे हैं, सारे लोग आप देख सकते हो, ऊपर से फुल अब है भाई, फुल 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 फुल, सब जगह फुल है, सब जगह। तो बस अब हम यहाँ से होटल की तरफ वापस जा रहे हैं, बिकॉज उबर लेनी पड़ेगी। एंड लुक एट द क्राउड गाइस, too much crowd guys. So guys, that's all for today's video, and yeah, we have booked Uber, so we are going back to the hotel now. It's gonna take some time, let's see how much time, maybe half an hour more. But I sign out, thanks for watching my video, keep watching, keep subscribing. Adios.